हमारी पंचायत के अध्यक्ष शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, हमारी गंगा बेसिन अथॉरिटी के सदस्य और हमारे देश भर से आए जलगात्री के दोस्तों श्री राजीव गोवा जी और हमारे आज के मुख्य मेहमान श्री जयराम रमेश जी, आपका इस पंचायत में स्वागत करता हूं और ऐसे मौके पर स्वागत करता हूं जब आप क्रांति के कुछ अच्छे बीज बोकर आए हैं। हमें लगता यह है कि आप क्रांति के जब अच्छे बीज बोकर किसी पंचायत से जाते हैं तो फिर उस क्रांति को सही दिशा में और आगे बढ़ाने के लिए आपकी ताकत बढ़ जाती है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है, आपके पीछे खड़े लोग इस लोकतंत्र में ज्यादा आपके साथ आ जाते हैं। तो आप अपनी एक बड़ी शक्ति बढ़ा के इस पंचायत में आए हैं, इसलिए हम बहुत 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 आभारी तो क्यों कहूं, क्योंकि पंचायत आपकी ही है, जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है। पर मैं ये मानता हूं कि पिछले दो दिनों में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने सुबह आसन ग्रहण करने के बाद रात के 8 बजे तक 1 मिनट भी उधर से इधर से उधर यहाँ से दरवाजे से बाहर नहीं निकले। और देश भर से जो भी गंगा भक्त, यमुना भक्त और नदियों के भक्त, देश भर के नदियों के भक्त इस पंचायत में मौजूद हुए, उन्होंने नदियों को जीवित करने की बातें की, लेकिन उन सब बातों के ऊपर गंगा क्योंकि इस देश की आत्मा है, इस देश की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नदी है। यदि हम अपनी गंगा माँ को, जो कि हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नदी है, उसको यदि हम बचा लेंगे, उसकी विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति की हम रक्षा कर लेंगे, तो जो हमारी विरासत है वो विरासत बची रहेगी। इस भावना से बहुत सारे आयामों पर हमने बात की। हमारे साथ बैठे हैं उदय बावलकर, जो पूरी एक ऑर्गेनिक तरीके से नदियों की स्वच्छता का काम करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं रमन, हमारे साथ बैठे हैं मनोहर सिंह राठौर, साहूकार जी, देश भर से आए वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30-40 साल सरकारों में और सरकारों के बाहर केवल नदियों के लिए काम किया है। साहूकार जी हैं जो कर्नाटक में अपनी ईचनल्ला नदी को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। कोई कुछ बाबूराव पेड़कर जी अपने छोटे से आर्मी में होने के बाद अपनी नदियों को जीवित करने में, एक छोटे से मॉडल पर नदी को जीवित करने में लगे हैं। कैसे रिचार्ज करके हम नदियों के पर्यावरणीय प्रवाह को बढ़ा सकते हैं, उस सब काम में लगे हुए प्रैक्टिशनर्स हैं। ये केवल बौद्धिक विलास वाले लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के, नीलेश हेड़ा बैठा है जो सबसे खतरनाक महाराष्ट्र की जगह पर नदियों को जीवित करने के काम में लगे हैं। हमारे बीच में स्वामी शिवानंद जी जो अपनी प्राणों से भी ज्यादा बड़ी गंगा माँ को मानते हैं। शिवानंद जी का आप जानते हैं, आप आश्रम में पधारे थे उनके और आपने उनको जो बल दिया, उस बल के कारण वो आज जीत कर आपके इस दिल्ली के जगह पर मौजूद हुए हैं। वो आपके कारण जीत सके क्योंकि आपने जाकर जिस तरह से उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा, ऐसे तो पत्र लिखने के बाद तो फिर तो सरकारों को सोचना ही पड़ता है, फिर सरकारें बाईपास नहीं कर सकती। तो आपके पत्र के बाद वो जो एक बड़ी जीत लेकर यहाँ आए और हमने उसी जीत को यहाँ बहुत आनंदित होकर मनाया। हम लोगों के मन में बस अब जो भी कुछ बातें हैं हमारे अध्यक्ष जी आपके सामने रखेंगे, पर मैं भी रखना चाहता हूँ एक बात अध्यक्ष जी की अनुमति से कि इस वक्त जो पिछले दो दिनों में बातें हुई उसमें यही हुई कि यदि हम भारत के नदियों को ठीक करना चाहते हैं तो हमारे सामने गंगा माँ, भागीरथी माँ सबसे ऊपर है और भागीरथी माँ सबसे ऊपर की है। यदि हमने उसकी अपनी विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति को बचा लिया, उसके हमने नैसर्गिक प्रवाह को बचा लिया, तो हम देश की दूसरी नदियों को भी वैसा बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और वो हमारी आत्मा है, हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक, सब कुछ शक्ति वाली नदी है, तो उस सर्वोच्च उपरीम सर्वोच्च नदी की रक्षा हम कर सके, उसके बारे में सब विधियों पर हम लोगों ने बात की है। मैं समझता हूँ कि
समय को बचाते हुए मधु बहन यहाँ आ जाए जल्दी से, और मधु बहन जो जो बातें हुई हैं उन बातों को रख दें। जब तक मधु बहन आती हैं, मैं मधु बहन आ गई, मैं मधु बहन से निवेदन करता हूँ कि दो दिन में जो कुछ हुआ वो आपके सामने रखें। मधु बहन,